बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमतुल्लाह। आज हम माइक पिन जो है और माइक प्लग जो है इसके कनेक्शन के बारे में सीखेंगे कि ये हमने किस तरह करने हैं। ये हमारे पास एक मस्जिद के जो है वो प्लग लगे हुए हैं, जो कि एक बड़े स्पीकरों का है और दूसरा जो है वो अंदर के हाल के छोटे स्पीकरों का है। ये नीचे वाला जो है ये हमारे नीचे कमरे हाल में और सहन में जो है वो अपना करता है ऑपरेट, और ऊपर वाला जो है ये हमारे बड़े स्पीकर अजान के लिए जो है ये ऑपरेट करता है। ये हम देखते हैं खोल के और आपको बताते हैं कि इसकी हमने किस तरह कनेक्शन किया है और आपने इसको किस तरह कनेक्ट करना है। ये प्लग हैं दोनों, इनकी हमने दोनों तारें जो हैं वो एम्पलीफायर से लाई हैं। इनको हमने एक रेड और वाइट जो है अंदर वाली तारें जो हैं इनको दोनों को इकट्ठा करके पिन के जो पिन लगती है इसमें अंदर वाली साइड वो वहाँ पे आके कनेक्ट होती है। वो लंबी पिन जो होती है माइक की तो यहाँ पे कनेक्ट होती है, और जो इसकी बाहर वाली दूसरी होती है साइड वो इसकी यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो इस तरह हमें जो है ये बाहर वाली तार जो है ये आपको इंसुलेशन उतरी हुई बाहर वाली तार नज़र आ रही होगी, ये जो है ये हमने नीचे जो है कनेक्ट करनी है, और ऊपर जो है ये रेड और वाइट जो है हमने इकट्ठी करके कॉमन करके इसको कनेक्ट किया हुआ है कि ये इस तरफ जो है वो माइक की अगली जो है नोज जो होती है उसके साथ ये कनेक्ट होती है। तो इस तरह ये दोनों फंक्शन करते हैं। इसी तरह हमने अंदर वाले स्पीकर के भी इसी तरह कनेक्शन किए हैं। ये हमारे दो स्पीकर चलते हैं, एक ऊपर अजान के लिए, दूसरा हमारे सेन और हाल के लिए। तो ये कनेक्शन करने का अमल था जो हमने आपको बताना था। व्यूअर्स, ये आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।